एक राजा के तीन प्रश्न। पहला, ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरा, अगर है तो रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? तीसरा, और वो करता क्या है? राजा ने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों से यही तीन प्रश्न पूछे। ईश्वर एक है या अनेक? रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और वो करता क्या है? सभी ने अपने अपने ज्ञान के हिसाब से उत्तर दिया, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य के चारों ओर का चक्कर लगा रहा था। तभी उसे सामने से एक महात्मा आते हुए दिखाई दिए, जो कि अपने मस्त मौला अंदाज में अपने मस्ती में झूमते हुए चले आ रहे थे, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि इन्हें ना तो अपने बीते हुए कल का पछतावा है और ना ही आने वाले कल की चिंता है। वो तो बस आज में मस्त हैं। जब राजा उन महात्मा के पास पहुंचा, तो उसने उनसे भी वही तीन प्रश्न किए। ईश्वर एक है कि अनेक? रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और वो करता क्या है? महात्मा अपनी उसी मस्ती और निडरता भरे अंदाज में राजा से बोले, ये कोई पूछने का ढंग है कि तुम घोड़े पर सवार हो और हम रास्ते पर खड़े हैं? अरे पहले कहीं ठहरने की व्यवस्था कर, मैं विश्राम करूँ, मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर, फिर श्रद्धापूर्वक पूछना। ये जैसे तू पूछ रहा है, ये तो उद्दंडता का ढंग है, श्रद्धा का नहीं। राजा समझ गया कि यह महात्मा वैसे नहीं है। पास ही राजा का एक बगीचा था। हाथ जोड़कर महात्मा को वहाँ ले गया। उस बगीचे में राजा के लिए एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें सारी व्यवस्था थी। महात्मा जी को उसी में ठहरा दिया। अब सारी व्यवस्था हो गई, महात्मा जी ने विश्राम भी कर लिया था। दो दिन बाद राजा फिर से महात्मा जी के पास आया और बोला, महाराज मेरे प्रश्नों के उत्तर। महात्मा बोले कि अकेले में सुनना चाहते हो या सबके सामने? राजा ने कहा कि अगर सबके बीच में हो जाए तो और भी अच्छा, सब समझ लेंगे। हाँ तो फिर सबको इकट्ठा कर लो। महात्मा बोले, महाराज अब एक दो दिन में तो मेरे सारे रिश्तेदार और मित्र राज्यों के राजा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, उसमें काफ़ी समय लगेगा। हम सूचना देंगे, तब सब धीरे धीरे इकट्ठे होंगे। महात्मा बोले, तो हमें भी कोई जल्दी नहीं है, आराम से इकट्ठा कर लो सबको। जब सभी इकट्ठा हो जाएं, तब हम उत्तर दे देंगे। लेकिन हमारे पास अब रोज़ रोज़ परेशान करने मत आना। जिस दिन सभी लोग इकट्ठा हो जाएं, उसी दिन आना, अब हम आराम से रहेंगे। राजा वहां से चला जाता है। राजा और उसके मंत्रियों ने मिलकर एक महीने बाद का एक दिन निश्चित किया कि इसी दिन सारे लोग सभा में इकट्ठे होंगे और महात्मा सबके सामने प्रश्नों का उत्तर देंगे। राजा ने महात्मा के पास आना बंद कर दिया। महात्मा अपना बगीचे में भगवान का ध्यान करें, पूजा पाठ करें, मस्ती से रहें, आत्मचिंतन करें और मस्त खाए पिए। सुबह शाम वे बगीचे के आसपास घूमने जाते। वहीं पास के खेत में एक किसान काम करता था। महात्मा घूमने जाते तो सुबह शाम मिल जाता। धीरे धीरे किसान की महात्मा से दोस्ती हो गई। महात्मा ने किसान से कहा, अगर हमें कभी तुम्हारे सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम हमारी बात मानोगे ना? किसान ने कहा, जी महाराज। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे उस तारीख को आने में, जिस दिन महात्मा को दरबार में जाकर सारे प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो महात्मा ने किसान से कहा, अब हमारे पास एक बहुत ज़रूरी काम है तुम्हारे लिए, कल बता देंगे। अब अगले दिन जब महात्मा किसान से मिले तो किसान ने कहा, बताइए महाराज क्या काम था? महात्मा जी ने कहा, कल बता देंगे। किसान ने कहा, ठीक है महाराज। जब एक दिन शेष रह गया तो महात्मा जी ने किसान से कहा कि तुम महात्मा बन जाओ। किसान बोला, अरे महाराज हमारा परिवार, घर बार, बीवी बच्चे, ऐसे कैसे महात्मा? महात्मा बोले, महात्मा होने के लिए नहीं कह रहे, महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं। महात्मा होना कठिन है, बनने में क्या तकलीफ है? किसान बोला, अरे महाराज। महात्मा बोले, सिर्फ एक दिन के लिए बन जाओ। किसान बोला, ठीक है महाराज, सिर मुड़ा लेते हैं, आपकी तरह कपड़े पहन लेते हैं। महात्मा बोले, एक शर्त और। किसान बोला, क्या महाराज? अपने कपड़े हमें दे दो, हम किसान बनेंगे और तुम महात्मा। अच्छा महाराज, ये लो। अब किसान बन गया महात्मा और महात्मा बन गए किसान। बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल लगा लिए और किसान के कपड़े पहने, महात्मा के सामने हाथ जोड़े। महात्मा बोले, डरना नहीं, राजा के सामने चलना है। किसान बोला, फिर महाराज? महात्मा बोले, राजा पूजा करेगा, आरती करेगा, प्रणाम करेगा, पर तुम डरना नहीं। किसान बोला, महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन राजा साहब जब प्रश्न करेंगे सिंहासन पर बिठा के, तब? महात्मा बोले, हम तो साथ में हैं ना,
जब राजा प्रश्न करे तो कह देना, ऐसे प्रश्नों के जवाब तो हमारा घास छीलने वाला किसान ही दे देगा। फिर हम दे देंगे जवाब। हाँ ये ठीक है, किसान बोला। वे दोनों राजा के दरबार में गए। अब भेषभूषा से तो वो किसान महात्मा दिखे, लेकिन चाल ढाल से तो वो किसान के भेष में महात्मा ही महात्मा मालूम पड़े। अब राजा को संदेह हो, लेकिन क्या करे, भरी सभा में आरती की, पूजा की, ऊंचे सिंहासन में बिठाया। महात्मा के भेष में जो किसान था वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा, और किसान के भेष में जो महात्मा थे वे नीचे जमीन पर बैठे। दरबार शुरू हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमारे 3 प्रश्न थे, आपने कहा था उत्तर देंगे। हाँ बोलो, महात्मा के भेष में किसान ने कहा। पहला प्रश्न, ईश्वर एक है कि अनेक? दूसरा प्रश्न, वो रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? तीसरा प्रश्न, वो करता क्या है? महात्मा के भेष में जो किसान था उसे तो पहले से ही पता था कि क्या कहना है। वो बोला, राजा साहब क्या साधारण सा सवाल पूछा आपने, इन प्रश्नों के उत्तर तो हमारा घास छीलने वाला किसान ही दे देगा। राजा को लगा इतना बड़ा आयोजन किया और ये बोल रहे हैं कि प्रश्नों के उत्तर किसान दे देगा, और महात्मा बैठे थे किसान के भेष में, कहने लगे कि हाँ राजा साहब मैं उत्तर दूंगा, पूछो आप, गुरुजी ने हमें सब सिखा दिया है। अच्छा चलो भाई किसान, तुम ही बताओ। राजा ने पहला प्रश्न किया, ईश्वर एक है कि अनेक? किसान ने कहा कि राजा साहब मैं बिना पढ़ा लिखा किसान हूँ, और आप पढ़ाई लिखाई के सवाल पूछते हो कि वो एक है कि दो है कि 3। राजा ने कहा तो फिर क्या करें? किसान ने कहा, राजा साहब आप कुछ सोने की मोहरें मंगा लो, गिनना आप, फैसला हम करेंगे। राजा बोला ये भी ठीक है। एक थाल में मोहरें आ गई। अब राजा ने गिनना शुरू किया, एक मोहर उठाई, और एक मोहर उठाकर राजा बोला 1। किसान ने कहा बिल्कुल ठीक, रख दो। रख दिया। अब दूसरी मोहर उठाई, राजा बोला 2। किसान के भेष में महात्मा थे, बोले झूठ बोलते हो, देखो हाथ में 1 है कि 2। राजा बोला है तो 1। किसान बोला फिर 2 क्यों बोलते हो? राजा बोला महाराज हमारी पुस्तकों में गिनती ऐसे ही लिखी है। किसान के भेष में महात्मा बोले, अरे लिखा है पर देखकर, देखने पर कितना है? देखने पर तो 1 ही है ना? राजा बोला हाँ हाथ में तो 1 ही है। किसान बोला फिर 2 क्यों बोलते हो? राजा ने तीसरी मोहर उठाई और बोला 3। किसान के भेष में महात्मा ने बोला फिर झूठ बोले, हाथ में देखो कितनी मोहरें हैं, 3 नहीं 1 ही है, 2 नहीं है 1 ही है, 4, 5, 6, 7 नहीं 1 ही है, इसके बाद भी 1 ही है। लेकिन दूसरी बार जब वो 1 ही किसी दूसरे के अनुभव में आया तो उसने उसका दूसरा नाम रख दिया और वो 2 हो गया। तीसरी बार किसी के अनुभव में आया और वो 3 हो गया। चौथी बार किसी के अनुभव में आया और वो 4 हो गया, पर वो है 1 ही, बस अपने अपने अनुभव के हिसाब से उसके नाम रख दिए गए। राजा सोचे कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं और दिखाई भी 1 ही दे रही है, हम चाहे 2 कहें चाहे 3 कहें है तो 1 ही। और महात्मा बोले जरा 1 के पहले गिनो, 1 के पहले तो 0 है। तो बोले कि 1 के पहले भी 1 है और 1 के बाद भी 1 ही है और बीच में भी 1 ही है। इसी तरह परमात्मा 1 ही है, पर जब दूसरी बार किसी को मिला तो 2 हो गया, तीसरी बार किसी को मिला तो 3 हो गया, चौथी बार किसी को मिला तो 4 हो गया, पर वो 1 है, 1 है, 1 है, 1 के पहले भी 1 ही है, 1 के बाद भी 1 ही है और बीच में भी 1 ही है। राजा ने तो हाथ जोड़ दिए कि महाराज ऐसा समाधान नहीं मिला, ना कोई चौपाई, ना दोहा, ना श्लोक, ना कोई ग्रंथ, किसी का प्रमाण नहीं, और गिनने की बात भी सही है, हम देखते हैं तो 1 ही दिखता है, ये 2, 3, 4 तो हमें सिखा दिया गया है, पढ़ा दिया गया है, अगर ये सीखी हुई पढ़ाई हुई छोड़कर देखें तो यह 1 ही है। राजा ने कहा बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज, हम मान गए कि ईश्वर 1 ही है। राजा ने आगे पूछा, अच्छा एक बात बताओ, रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? किसान के भेष में महात्मा ने कहा, तुम कठिन कठिन सवाल पूछते हो, खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं। राजा बोला तो क्या मंगाएं आपके लिए? दूध मंगाओ। एक कटोरी में दूध आ गया। अब वो महात्मा दूध तो पिए नहीं, दूध में अपनी उंगली घुमाए जाएं। राजा ने पूछा, अरे ये दूध में अपनी उंगली क्यों घुमा रहे हो? महात्मा बोले, सुना है इस दूध में घी रहता है, तो हम सोच रहे हैं कि घी निकाल कर खा लें। राजा बोला, आप भी पागलों जैसी बातें करते हैं, दूध में घी तो रहता है पर ये ऐसे ही थोड़े मिलता है। कैसे मिलता है? महात्मा बोले। राजा बोला, अरे दूध को जमाना पड़ता है, दही बनाना पड़ता है, फिर मंथन करना पड़ता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को आग में तपना पड़ता है, तब कहीं जाकर घी मिलता है। है तो दूध में ही पर बातों से नहीं मिलता, उसकी एक प्रक्रिया है, एक विधि है, उसका पालन करने से मिलता है। यह सुन महात्मा ने कटोरा रख दिया
राजा बोला, दूध पी लो। महात्मा ने कहा, दूध नहीं पीना था, बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना था। तुम कहते हो रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? जैसे दूध में ही घी रहता है पर दिखता नहीं है, वैसे ही ईश्वर तुम्ही में समाया हुआ है, लेकिन वह बातों से नहीं मिलता। उसकी भी एक विधि है। पहले समर्पण जमाना पड़ता है, फिर विचार की मथनी से उसे मथना पड़ता है, फिर वैराग्य का मक्खन निकलता है, फिर तपस्या की अग्नि में तपाते हैं, तब जाकर वह परमात्मा रूपी घी प्रकट होता है हमारे ही अंदर से। राजा तो हाथ जोड़कर अपने घुटनों में ही बैठ गया और कहा, गजब, कमाल, ऐसा उत्तर तो आज तक नहीं सुना। राजा बोला, एक आखिरी सवाल, करता क्या है? महात्मा बोले, तुम सवाल पूछ रहे हो और हम उत्तर दे रहे हैं, तो बताओ कि तुम हमारे गुरु हुए या कि हम तुम्हारे? राजा बोला, गुरु तो आप ही हैं। महात्मा बोले, फिर ये कोई ढंग है कि तुम सिंहासन पर राजा बने बैठे रहो और हम नीचे बैठे रहें? राजा बोला, फिर? किसान के भेष में महात्मा बोले, उतरो नीचे। राजा नीचे उतरा और किसान के भेष में महात्मा जाकर सिंहासन में बैठ गए। अब राजा नीचे बैठकर उत्तर सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन महात्मा कुछ बोले ही नहीं। तो राजा बोला, आपने उत्तर नहीं दिया। किसान के भेष में महात्मा ने कहा कि यही करता है, किसान को राजा की जगह बैठा देता है और राजा को किसान की जगह बैठा देता है। बड़े को छोटा बना देना और छोटे को बड़ा बना देना, बस यही करता है, बस यही उसका काम है और पूरे दिन बस यही करता रहता है। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करना कि सबको उसके कर्मों के अनुसार परिणाम मिले, बस यही करता रहता है। राजा ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आज मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए। इसके बाद महात्मा ने अपनी किसान वाली वेशभूषा बदल ली और राजा को सच्चाई बताई कि मुझे इस किसान के साथ मिलकर ये सारा नाटक सिर्फ तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए करना पड़ा। इसके बाद वह महात्मा उस राज्य से विदा ले लेते हैं।